थोड़ी ना आता है। चिप्स तो वहां पे मुझे सब घूम जाना ये क्या परिस्थिति? खाने के टाइम पे चिप्स? तुम चिप्स ज्यादा नहीं कर रहे? तुम्हें पता है हर दूसरे दिन मुझे नीचे जाके चिप्स खरीदने पड़ते हैं। तुम दोनों के लिए कितने चिप्स खाते हो? इस घर में राशन में सबसे ज्यादा चिप्स ही आते हैं। चिप्स और चिप्स से कोई पेट भरता है क्या? चिप्स और खाने का टाइम है, मम्मी खाना बना रही है। खाना नहीं खाना? मन लगा था। ऐसे तो ना होता है। चलो बच्चों खाना तैयार है, खाना खाते हैं। चलो मैं प्लेट लगा रही हूँ। पेट भर गया? हाँ। कैसे, क्यों? हमने चिप्स खाए थे। अब लंच टाइम है ये तो हमारा पेट भर गया। लंच टाइम पे कोई चिप्स खाता है? अब तो ये लंच टाइम पे अगर तुम ये खाओगे तो फिर लंच कब करोगे? अरे पेट तो भरेगा ही ना, इस सारे चिप्स जो खाए हैं। मैं बता रहा हूँ तुमको, आज से इनका चिप्स बंद, बिल्कुल स्नैक्स नहीं आएगा घर में, बस बिल्कुल बंद। देखो अब क्या चाहते हो तुम, स्नैक्स बंद हो जाना है या तरीके से खाने की चीज होती है स्नैक्स? लंच थोड़ी ना है वो, खाने के टाइम में, मील्स के टाइम पे अगर तुम ये खाओगे तो फिर बट अच्छा ऐसे नहीं वो करते हैं। आप बैठो, हम इनको समझाते हैं कि इसके फायदा और नुकसान क्या है। जो वो समझेंगे? हाँ वो समझेंगे, समझदार बच्चे हमारे। आ जाओ बैठ जाओ आप। तो पता है तुम्हारे को जो अनहेल्दी चीजें हैं उसके खाने से क्या होता है? एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर टाइम की मील्स चाहिए होती है, और तुम अगर उस मील के टाइम पे ये जंक खाते रहोगे तो तुम्हारे बॉडी में कितने बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं पता है? और तुम्हें पता है चिप्स कैसे बनते हैं? वो चिप्स आलू लेके आए, जैसे तुमने जो भी चिप्स लिए वो आलू लेके आए, वो आलू कैसे होते हैं हमें नहीं पता, कितने पुराने हैं हमें नहीं पता। वो लाते हैं, वो काटते हैं मशीनों से और उसके बाद उसको डीप फ्राई करते हैं। तुम तो बहुत अच्छा वाला तेल खाते हो घर में, वो लोग थोड़ी ना इतना अच्छा तेल का चिप्स बनाएंगे। एक पैकेट चिप्स थोड़ी ना इतने से तेल में, वो रिपीट करते रहते हैं वो ऑयल। और उनकी ऑयल इतनी क्वालिटी वाला नहीं होता जितना हम घर पे लेके आते हैं, उतना रिफाइन ऑयल नहीं होता है, वो तो एक गंदा मतलब उनका होता होगा इंडस्ट्रियल ऑयल होता है, उसमें डीप फ्राई करके वो तुम्हारे देते हैं। फिर उसके बाद आलू घर में तो आलू दो दिन में खराब रहता है, तो तुम्हारा ये चिप्स एक एक महीने तक कैसे बचा रहता है? क्योंकि वो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। वो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? वो सब अलग अलग चीज होती है। प्रिजर्वेटिव में अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं तुम्हारे खाने से तुम्हारे बॉडी में अंदर जाके दिखते हैं। अभी यू विल नॉट रियलाइज बट कुछ टाइम बाद जब तुम और बड़े होगे तब पता चलेगा, एसिडिटी प्रॉब्लम होने लग जाएगी तुम्हें, सॉल्ट उसमें ज्यादा होता है, अगर ज्यादा सॉल्ट खाते हो तो तुम्हारे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, स्टेमिना बिल्ड नहीं होता है पता है, हाइपरटेंशन होती है या तुम हाइपरएक्टिवनेस होती है, हाइपरएक्टिवनेस होती है, चैन से बैठ नहीं सकते हो तुम पूरे टाइम, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहे, जंप करते रहे, एडिक्शन भागते रहे, इसीलिए तो एडिक्शन है ये। तो अब समझ में आया तुम्हारे को, जिस टाइम पे ये स्नैक है थोड़े से खाओ इट्स नॉट बैड, बट अगर तुम उसको लंच की तरह खाओ, ब्रेकफास्ट की तरह खाओ, डिनर की तरह खाओ, दैट विल हार्म योर बॉडी। समझ में आए? तो तुमने क्या सीखा आज? बहुत सारे स्नैक्स नहीं खाने चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। करेक्ट। और स्नैक्स को स्नैक्स के टाइम पे ही खाना चाहिए, लिमिट में, और खाने को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट मील है। तुम्हारे चिप्स अल्टरनेट तो हैं बट वो खाने का अल्टरनेट नहीं है, वो जब तुम्हें मंचिंग का मूड कर रहा है, जैसे तुम टीवी देख रहे हो या बुक रीडिंग कर रहे हो तो तुम खाओ उसको, पर खाने थोड़ा क्वांटिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। पैकेट लेके मत बैठो कभी भी, क्योंकि पैकेट लेके बैठने से क्या होगा, तुम खाते ही रहोगे, तो पैकेट में से थोड़ा सा निकाल लो कटोरी में किसी बाउल में,
और पैकेट रख दो, बस वो बाउल लेके बैठो, तो उससे क्या होगा कि तुम लिमिट में भी खाओगे और तुम्हें मंचिंग का भी मूड नहीं करेगा। समझे बात को? यस। चलो अब लंच, अब लंच खाओ।